शुरू करने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल पर, लेटेस्ट अपडेट आसानी से पाने के लिए सब्सक्राइब करें नीचे दिए इस लाल निशान पर क्लिक कर और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। फ्रेंड्स, ये मेरा जीके जीएस का पहला एपिसोड है। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जीके जीएस का जो एपिसोड है उसको आपको देखने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, तभी जब किसी अच्छे बुक से आप पढ़ाई करते हैं। आप इस पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता दोस्तों, इसलिए आप किसी अच्छे बुक को फॉलो ज़रूर करें, उसके बाद ये सब प्रैक्टिस के लिए आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे काफ़ी संभावना हो जाती है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टकरा जाने की संभावना होती है। मैं दो तरह का जीके जीएस डालूँगा, एक होगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए और दूसरा टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज का अलग महत्व है और इम्पोर्टेंट का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका अलग महत्व है। अगर किसी टॉपिक वाइज पे आप सारा क्वेश्चन बना लेते हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन छूटने की काफ़ी कम संभावना होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रैक्टिस से आपका एक साथ अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। तो आपके मन में ये चल रहा होगा बात कि अच्छा बुक कौन सा है, तो मैं बाद में इस इसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा होगा। बुक सिलेक्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज का पहला सवाल आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? ये 1993 में किया था उन्होंने, और ये शिकागो कहाँ है? तो सवाल उठता है कि ये शिकागो कहाँ तो सवाल उठता है कि ये शिकागो कहाँ है तो शिकागो अमेरिका में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये काफ़ी बार बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है इसकी। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में है स्थित। अगला सवाल, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। तांबा ऐसा धातु है जिसका मानव द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ तांबा की खान है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। तो जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी संभावना होती है किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को डब्ल्यू सी बनर्जी भी
शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, तो आप उसी ऑप्शन को सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध 1857 में हुआ था। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे क्या थे? वे एक खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दोस्तों ये सभी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसे आपको ऑप्शन एग्ज़ाम में दिए जाएंगे जिससे आप उलझ भी सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अध्यक्षता करते हैं? ये खाली स्थान है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति खाली स्थान की अध्यक्षता करते हैं, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। जैसे लोकसभा की अध्यक्षता, वहाँ के अध्यक्ष चुना जाता है स्पेशली, लेकिन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ही अध्यक्षता करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों इस तरह के सवाल काफ़ी बनते हैं, तो धीरे धीरे मैं अलग अलग एपिसोड में आपको देते रहूँगा। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब एग्ज़ाम में दे सकते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात राज्य ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद को संविधान में संशोधन करने की अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 368 के तहत सांसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों अब अगला वीडियो काफ़ी जल्दी डाल दिया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आप लोग हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं, उसी तरह उतना जल्दी मैं आप तक प्रोवाइड कर दूंगा और आगे काफ़ी सुधार के साथ होगा। मैंने ये सिर्फ आप तक इसलिए पहुंचाया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जीके जीएस का एपिसोड अब स्टार्ट हो चुका है, आगे काफ़ी सुधार के साथ आप तक जीके जीएस और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक वाइज भी दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।